करीब 2 साल हो चुके हैं मुझे बाइक लिए हुए। अप्रैल 2018 में मैंने बाइक ली थी और अभी अप्रैल 2020 आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो मैं सोच रहा हूँ यार, अब बाइक के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा इसमें रैपिंग वगैरह कराया जाए। बहुत दिन हो गए एक ही बाइक कैसे दिख रही है, उसमें थोड़ा रैपिंग वगैरह कराएंगे तो थोड़ी नई सी आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसजे व्लॉग्स। मेरे पास KTM ड्यूक 250 है, जिन लोगों को भी नहीं पता मैं आपको बता दूं, और उसको करीब 30,000 किलोमीटर मैंने चला रखा है। बहुत सारी राइड करी है और सिटी राइड थोड़ी बहुत ही करी है यार, सिटी में ज्यादा जाता नहीं मैं। तो आज मेरा प्लान है कि बाइक को लेके चलते हैं और बाइक को रैप करवाते हैं, थोड़ा एक कोई ढंग का शॉप खोजते हैं जहाँ पे अच्छे से रैपिंग हो जाए। कुछ ग्राफिक्स डिजाइन मैंने, सच बताऊं तो मैंने कुछ भी अपने मन में प्रिपेयर नहीं किया है, वहीं जाके देखूंगा, वहां से कुछ हेल्प मिल जाती है तो चलो आपको भी ले चलते हैं। तो यार, करोल बाग एंटर करते हुए सबसे पहले जो मुझे शॉप दिखी, यहाँ पे काम भी हो रहा था तो मैंने सोचा मैं यहीं से काम करा लेता हूँ। पहले डिस्कस करते हैं भैया से कि क्या बेस्ट हो सकता है मेरे बाइक में। सबसे पहले मैं अपने बाइक की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे तो कंप्लीट जैसे स्टॉक में आती है, कलर सेम वैसी है, ये पूरा वाइट है, इधर थोड़ा ग्राफिक्स का काम किया हुआ है, इधर कुछ नहीं है, कुछ उसमें मैंने जैसा बताया था कुछ रैपिंग नहीं करा था। तो यार, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे बस ऐसे इंडियन फ्लैग का मैंने काम करा था और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्टिकरिंग का काम है। तो इसको पूरा ही चेंज करते हैं, वाइट से मेरा मन भर चुका है। वैसे भी आपको मैं बताया था कावासाकी ZX है ना, तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन ऐसा डिसाइड करते क्या है। बाकी यहाँ भैया, यहाँ पे आप ही हो गया, मुझे स्टिकरिंग का काम कराना, रैपिंग का काम कराना, कोई नहीं हो जाएगा भैया। तो चार्जेस वगैरह सब कुछ देख लेना, बाकी आप देख ही रहे, वीडियो भी बन रही है आपकी, ठीक है। आप काम देखना, काम देख के चार्जेस लेते हैं हम, काम फिनिशिंग से करके देते हैं, ये नहीं चलता फिरता काम करके दिया। ये बताओ पहले, इस पर डिजाइन विजाइन कुछ बताओ क्या करवाऊँ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना ये हम आपको एक फोटो दिखाऊंगा कंप्यूटर के अंदर, उस तरह से डिजाइन बनाएंगे इसको पूरा ना ब्लैक कर, ये सारा जो एक बार थोड़ा भैया आप अपने शॉप पे चल रहे हो ऐसे तो यहाँ बहुत शोर हो रहा है, वहाँ डिजाइन भी फिक्स कर लेते हैं और ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यार भैया ने कुछ इस तरह का बना रखा है, डिजाइन मुझे बताओ क्या डिजाइन में सेलेक्ट करूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं अपने दिमाग में कुछ ऐसा फाइनल करके नहीं आया हूँ, कुछ आपने ऐसा पिछला कुछ काम करा हो। बिल्कुल, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, देखिए आप फोटो जरा देखें। ये ग्रीन वाली कौन सी है? ये तो पल्सर है। पल्सर है, ये ज्यादा ऑड लग रही है, ये ज्यादा ऑड लग रही है। ये ग्रीन इस टाइप की करवा लो आप, इस टाइप में लुक आ जाएगी आपकी, बहुत प्यारी लुक आएगी। इसमें क्या आपका जो व्हाइट जो है ना पार्ट्स, उसको हम ब्लैक कर फिर ये डिजाइन बनाएंगे। देख लो भैया, बना दोगे ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरी बाइक ऐसी बन जाएगी। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो। और उसमें कोई भी ले सकते हो, इसके अंदर ग्रीन है, आपको ऑरेंज चाहिए, व्हाइट चाहिए, येलो चाहिए, कोई नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, एक बात बताओ, जैसे मेरा चैनल है, मुझे उस पर एसजे व्लॉग्स वगैरह लिखवाना है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स देखेंगे, वो सोचेंगे उसमें कुछ ऐसा नाम लिखवाने का, स्टिकर लगा, सब हो जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप नेट से भी कोई डिजाइन लेके आते हैं, कोई स्टिकर बनवाना है तो वो भी हम बना देते हैं, या अपनी ईमेल आईडी से कोई डिजाइन निकालना हो, बनाना हो। पहले फटाफट क्या कहते हैं, इस पे काम करते हैं, फिर उसके बाद भैया के काम के बारे में बताऊंगा। ऐसा ही डिजाइन देख लो यार पहले, और मैंने अपनी बाइक दिखा दी, एक बार ही देखते हैं भैया के हाथ का करिश्मा। चलो भैया इस पे कर देना, बाकी आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं भैया ने, नंबर प्लेट भी है। तो नंबर प्लेट भैया, मैं ऐसा नंबर प्लेट लेके आया हूँ, वो भी मेरा लगा देना, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं भैया, लग जाए। काम करें फिर स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना आपको, हाँ। इसको हम सारा ग्लॉसी ब्लैक करेंगे, जिस कलर की टंकी है, ठीक है, पूरा ब्लैक करने के बाद इसमें फिर ग्रीन का लुक देंगे, जिस हिसाब से ग्राफिक बनेंगे ना, हाँ। वो लगने के बाद ही सजेस्ट करेंगे किस हिसाब से ग्राफिक। पहले अभी ब्लैक करोगे आप? पहले ब्लैक होगा, उसके बाद फिर ग्रीन करोगे। अच्छा, पहले पूरा ब्लैक कर दोगे ना? पूरी ब्लैक, ठीक है। तो हाँ, उतार दो, सारे ही उतार दो। साथ साथ में भैया जिक्सर पे भी कर रहे हो क्या? ये भी आप देख लो, पूरे ब्लैक कलर में ऐसा रैप हो रही है, और उसके बाद भी कुछ लगाओगे? उसके बाद होगी डिजाइनिंग। चलो, हमारा काम तो 25 है, चल रहा है हमारा काम। तो यार अभी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अपडेट दूं, तो ये जो इस साइड से आप देख रहे हो, ये पूरा ब्लैक हो गया, ग्लॉसी ब्लैक, अभी इधर भी पूरा ब्लैक हो गया। लेकिन इस साइड से अगर आप देखोगे, लेफ्ट साइड से,
तो कुछ इस तरह से मेरी बन रही है KTM कन्वर्टिंग टू कावासाकी। तो अभी देखो, अभी बहुत काम और बाकी है, देखते हैं बाइक किस तरह से निकल के आती है, फिर आपको दिखाएंगे, सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से एक्चुअल में ये बाइक दिखती है। ये MotoGP देखो, MotoGP एडिशन बन रहा है। ये जिक्सर वही है ना? हाँ जी वही है भाई। ये देखो ये जिक्सर कैसे कन्वर्ट हो गई। अभी ये क्या है, व्हील में भी आप सेम डिजाइनिंग करनी है, इसी टाइप की जो पूरी बाइक में मैच खाए। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये खर्चे वर्चे का क्या सीन आ जाता है, कितना खर्चा आता है ऐसे कुछ कराना हो तो? इस बाइक में हमने लिया 3500 का खर्चा, इसमें फुल रैप होगी और डिजाइनिंग जो ऊपर स्टिकर लगेंगे टोटल विद इंक्लूड है 3500 प्लस पूरे बाइक में पूरा विद स्टिकर। चलो कोई बंदा अगर मान लो ऐसे मेरी बाइक देख के आपके पास आता है ना, बिल्कुल, बाकी भैया का डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा मैं, अगर आपको भी करवाना है तो आप भी करवाना, तो बोलना कि डिस्काउंट देना है क्योंकि चैनल देखा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना। अभी काम पहले होने देते हैं यार, उसके बाद देखते हैं किस तरह से बाइक बन के आती है। बाइक मेरी लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे यार वो लोकेशन नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, तो इसको एक अच्छी जगह पे ले चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक वर्जन ऑफ माय न्यू कावासाकी KTM। यार देख लो बाइक कुछ इस तरह की लग रही है अब, और मैं बताऊँ तो बाइक में इधर रैपिंग के मामले में देखो क्या क्या हुआ है। ये पूरा जो वाइट पोर्शन था इसको ग्रीन कर दिया है, ये पूरा ग्रीन हो गया अपना, और इधर KTM का ऐसा लोगो लगा हुआ है। व्हील के पूरे साइड में एक ग्रीन टेपिंग की गई है, और साथ साथ में देखोगे तो यहाँ पे जो अपना हेडलाइट है, हेडलाइट में भी देखो यार ग्रीन टेपिंग की गई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप बताना। इधर भी KTM का स्टिकर लगाया गया है। वाइजर पर भी देखो यार तुम्हारे भाई का लोगो वगैरह लगा हुआ है। कुछ इस तरह की बाइक दिख रही है, अगर आप मैं आपको एक 360 व्यू दूं तो ये देखो, ये प्रॉपर अपनी कावासाकी बन गई यार। बस एक चीज़ यहाँ पे पीछे में देखो तो यार, पीछे ये जो पूरा ब्लैक है ये मैंने करवाया, ये नेपाल में अपना टूट गया था, नंबर प्लेट नया लग गया है, भाई का पीछे लोगो भी वापस से लग गया है। बस एक चीज़ इसमें लग रहा है कि ये जो ऑरेंज है, अगर ये ब्लैक करवा दूँ तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है करवाना चाहिए या नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी बाइक मुझे तो बढ़िया लग रही है, आप बताओ यार आपको कैसी लग रही है। तो यार सबसे ज़्यादा जो सवाल आएगा इस बाइक को देखने के बाद कि भैया कहाँ से करवाई, किससे आइडिया मिला, कहाँ पे हम करवा सकते हैं, तो देखो यार मेरा कुछ भी इसमें आइडिया नहीं था, सब कुछ भैया का था। भैया थैंक यू सो मच यार, आपने बाइक को एक नया जीवन प्रदान किया है। तो भैया अपना एड्रेस वेड्रेस समझा दो लोगों को। भैया हमारा करोलबाग में 16-17 साल पुराना काम है, और मेन आर्य समाज रोड पर राहुल स्टिकर के नाम से मेरी शॉप है। हाँ जी, नंबर दे दूं आपका, कॉल करके आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर। बाकी आप देख लो भैया के सामने, आप क्या क्या करते हो वैसे आप? भैया भाई हमारा मेन काम है कार रैपिंग, बाइक रैपिंग। कार भी करते हो? जी, बाइक लैमिनेशन, कार लैमिनेशन। अच्छा, कार रैपिंग भी करते हैं, जो रैप करेंगे हम पूरी पूरी गाड़ी जो होगी ना पूरी सिंगल पीस के अंदर। अच्छा जी, इसमें कोई भी एक भी जॉइंट होगा पूरी गाड़ी के अंदर। अच्छा अच्छा, हाँ। और कार पे या बाइक पे आप कोई भी फोटो लाते हैं कि ये डिजाइन बनाना है, जो सब काम मना करते थे वो काम हम करके देंगे आपको। अच्छा, जैसा मर्जी काम हो, कठिन से कठिन हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। चलो, बाकी नेट से भी कोई आप डिजाइन लाते हैं कि भैया ये डिजाइन अब हमें चाहिए, तो वो भी बन जाता है। और इसमें हमारा होलसेल का भी काम है। अच्छा, होलसेल रिटेल, किसी को मशीन वगैरह
लेनी हो प्लॉट, अच्छा वो भी है सब। हाँ जी, अच्छा वगैरह का सारा होलसेल का भी काम। बाकी आप देखो तो भैया ने बहुत कुछ यहाँ लगा भी रखा है, स्टिकर्स और नंबर प्लेट, ऐसे कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट भी आप बना देते हो? हाँ जी, हाँ जी, ये नंबर प्लेट भी, ये देख लो कस्टमाइज नंबर प्लेट अगर आपको चाहिए तो कुछ इस तरह का प्लेट मिल जाएगी। और इसके बाद हमारे पास की रिंग्स की चेन भी काफी मिल जाएगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किसी गाड़ी के ओरिजिनल स्टिकर, किसी भी गाड़ी के आपको ओरिजिनल स्टिकर हो गए, एफजेड हो गए, R15 हो गए, ये सारे ओरिजिनल है। कोई सी भी गाड़ी हो उसके ओरिजिनल स्टिकर अगर खराब हो जाते तो हमारे पास मिल जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, तो सारी सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पे। बुलेट्स के स्टिकर है, ये आजकल न्यू मॉडल में आ रहे हैं, ये भी स्टिकर हमारे पास अवेलेबल है। और बुलेट के कोई भी स्टिकर हो, क्लासिक वगैरह का कोई भी ओरिजिनल किसी भी गाड़ी का स्टिकर हो, सब मिल जाएगा। लगभग सारा काम करते हो, स्टिकरिंग का, लेमिनेशन का, रैपिंग का, फिल्म वगैरह सब? अच्छा, सब वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। तो देख लो, अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप भैया को कॉल करके आ सकते हो, या फिर आर समाज जो रोड है मैं आपको समझा दूं, अगर आप हनुमान जी की मूर्ति साइड से आओगे तो एकदम जैसे ही घुसोगे उसके थोड़ा सा आगे चल के ही मिल जाएगा। बिल्कुल उसी रोड पर है, उसी नियर साउथ होटल पार करते ही। हाँ, एक यू टर्न लेना और भैया मिलेंगे। बिल्कुल, तो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, आपने बाइक को जो नया जीवन दिया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि देखो यार KTM कैसे कावासाकी में कन्वर्ट हो गई, कैसे एकदम एक नया लुक आ गया। आई नो थोड़ा फनी हो रहा है कावासाकी बोलना, बट स्टिल एक अच्छा लुक आया है उसके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसके लिए लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मुझसे कुछ सवाल करना है कि बाइक को कैसा लग रहा है आप, या फिर डिज़ाइन कहाँ से लेने, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।